बिहार में पंचायत परामर्श समिति के गठन को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष है कि सवाल उठा रहा है कि कैसे सरकार ने बिना उनसे राय लिए अपना फैसला सुना दिया, तो दूसरी तरफ है सत्ता पक्ष जो साफ तौर पर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कह रहा है कि यह फैसला पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। बीच का रास्ता निकाला है, नियमों में संशोधन करके सरकार परामर्शी समिति बनाने जा रही है। अब परामर्शी समिति जनतंत्र में क्या होता है, परामर्शी समिति का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन लोग उसमें होंगे, जनतंत्र में जन को कितना अधिकार मिलेगा या सिर्फ तंत्र हावी होगा। देखिए, पंचायतों में परामर्शी समिति बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निसंदेह लोकतंत्र की रक्षा करी है। चूंकि कोरोना काल की वजह से हम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे थे, इससे निसंदेह गांव का विकास बाधित होता अगर मुखिया को उनका पावर नहीं मिलता। कल के बिहार सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर लिए गए निर्णय का बिहार का जन जन स्वागत करता है। इस निर्णय से केवल बिहार को कोरोना संक्रमण से ही नहीं बचाया गया है, बल्कि संवैधानिक संकट से भी बिहार को उबार लिया।